जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे, तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा। बीपीएससी पेपर लीक मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और पुलिस को जांच में तेजी लाने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा संपन्न होने के 5 घंटे बाद ही रद्द कर दी गई। इस मामले को लेकर पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई है। बता दें कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि भी हो गई है। इस मामले की जांच के लिए आयोग द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आयोग के अध्यक्ष आरके महाजन ने परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया और बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पेपर कहां से और कैसे लीक हुआ, इसकी जांच के लिए मैंने तेजी लाने का निर्देश दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस व्यक्ति ने पेपर लीक किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बहुत एक्शन हो रहा है। वो अचानक जो हुआ है, कल तो हम थे, अपना समय दे दिया था बहुत लोगों को अपने पार्टी ऑफिस में, तो हम वहाँ बैठ के लोगों से मिल रहे थे, वहीं पर मालूम हुआ, हम जानकारी मिली तो हम बाहर निकल के हुए, तुरंत हम पूछे, तो इन लोगों को जैसे ही मालूम हुआ है इमीडिएटली इन लोगों ने एक्शन लिया, तुरंत उसको कैंसिल किया है। और फिर ये देख रहे हैं कि जब हर जिले को जो भेजा जाता है तो कहाँ से लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, कोई कैसे लीक किया, क्योंकि सबको कागज़ भेजा जाता है, तो कागज भेजा जाता है और 12 बजे से शुरू है, वो पहले से है, तो फिर पहले कोई कैसे लीक कर दिया, अब आ गया था मान लीजिए कि वीडियो में कैसे आ गया, तो इसके बारे में तो इसको देखते हुए ही तत्काल तो कैंसिल कर दिया गया और जांच हो रही है। और जांच भी हम तो जैसे ही आए हैं वैसे ही, हम कल शाम में ही हम सब लोगों से बातचीत किए हैं, उन लोगों ने तुरंत एक्शन लिया है और इसको जो पुलिस को हैंडओवर किया है, तो उसके बाद वो भी जांच कर रहा है, बहुत जल्दी जांच कर रहा है। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, कि तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है, लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया है, तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में, कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके, क्योंकि गाइडलाइन तो जारी है लेकिन फिर भी कल ऐसा हो गया जो होता नहीं था, तो इसको देख करके लोग अपना कर रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की पहली ऐसी संयुक्त पीटी परीक्षा है जिसे पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया है। इससे पहले प्रश्नों के उत्तर को लेकर जो लगभग हर साल छात्रों के द्वारा बीपीएससी को कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा कभी रद्द नहीं हुई। लेकिन पिछले साल एक सेंटर का एग्जाम रद्द कर दोबारा लेना पड़ा था। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।